ओके सो हमने सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करी। हमने ये समझा कि किस तरह के सोर्स को हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे और किसे हम नहीं कहेंगे। बॉम्ब को हम सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहेंगे, भले ही हमें दिख रहा है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी प्रैक्टिकली किसी भी यूज की नहीं है, तो इसीलिए इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर एनर्जी टू वर्क। एक एनर्जी का सोर्स है जैसे कि कोल। क्या कोल को मैं यूज कर सकता हूं डायरेक्टली? क्या कोल ऐसे ही कहीं भी मिल जाएगा? हम कहेंगे नहीं। वी रिक्वायर एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कहेंगे वी नीड एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर अपन बात करें कोल की, तो कोल जो होता है इट इज बेसिकली अवेलेबल इन माइन। ये जमीन के नीचे होता है, कैसे बनता है उसे हम डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन कोल होता है जमीन के बहुत अंदर। तो अगर मुझे कोल को यूज करना है, कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसे यूज करने के लिए मुझे पहले गड्ढा खोद के नीचे जाना होगा, उस जमीन में से मुझे कोल को खोद खोद के बाहर निकालना होगा, तो गड्ढा खोद के अंदर जाके उसे निकालना और फिर ऊपर लेके आना, इस प्रोसेस में हमें एनर्जी लगेगी। ये एनर्जी हमें देनी होगी तभी हम कोल को यूज कर पाएंगे। अगर हम पेट्रोल की बात करें या डीजल की या ऑयल की या गैस की, किसी भी चीज की आप बात करें, तो सभी के लिए आपको एनर्जी देनी होगी तभी आप उससे एनर्जी बना सकेंगे। ओके, जैसे कि ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन में जो एनर्जी है उसको एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? उसको वो सन सन एनर्जी सप्लाई कर रहा है। सन को एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल। सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अभी हमने कहा कि वी नीड एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी बना कैसे? सन पे बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से सन पे बहुत सारे बॉम्ब एक साथ फूटते हैं और सन पे बहुत सारी एनर्जी एक साथ बनती है। इसीलिए सन ब्राइट है और बहुत ज्यादा शाइन करता है और पूरा एक फायर की बॉल है और वहां से एनर्जी सप्लाई होके अर्थ पे आती है। तो सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उसे यूज करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको खुद को भी तो एनर्जी चाहिए। वो आपको एनर्जी कहाँ से देगा? तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है? वो यूनिवर्स से ले रहा है। यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उस पर गिरते हैं, एलिमेंट्स उस पर गिर के रिएक्शन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से हर तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। अगर मैं एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, मैं टरबाइन हाथ से घुमा रहा हूं, तो मैं उस टरबाइन को एनर्जी दे रहा हूं, लेकिन मुझे एनर्जी कहां से मिल रही है? मुझे एनर्जी फूड से मिल रही है। फूड को एनर्जी कहां से मिल रही है? फूड को एनर्जी सन से मिल रही है। सन को एनर्जी कहां से मिल रही है? सन को मिल रही है एलिमेंट से, केमिकल रिएक्शन से, यूनिवर्स से। ओके, और ये एनर्जी का साइकिल कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है और हर एक सोर्स दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट है। अगर एनर्जी का एक भी सोर्स फेल हो गया तो हो सकता है एनर्जी की पूरी साइकिल बिगड़ जाए और एनर्जी बनना ही खत्म हो जाए। जैसे कि सन सन मान लो रुक गया, सन की एनर्जी खत्म हो गई, सन पे रिएक्शंस कम हो गई, बंद हो गई, तो उससे क्या होगा? सन की एनर्जी अर्थ पे कभी आ ही नहीं पाएगी। अगर आ ही नहीं पाएगी तो अर्थ ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो फूड ग्रो नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम खत्म हो जाएंगे, तो अर्थ खत्म, ह्यूमन बींग्स खत्म हो गए, एनिमल्स लिविंग बींग्स खत्म हो गए, तो अर्थ खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरी किसी चीज पे डिपेंडेंट है। नाउ मुझे कोल निकालने के लिए गड्ढा खोदना पड़ा, नीचे माइन बनानी पड़ी, उस माइन में जाके कोल निकाला और कोल को ऊपर लेके आया। तो ये जो काम मैंने किया इसमें एनर्जी लगी
और ये जो एनर्जी मैंने कोल को निकालने के लिए दी, इस एनर्जी को हम बोलेंगे इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या है? इनपुट एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ इनपुट एनर्जी क्या है? इनपुट एनर्जी मतलब एक एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल के लिए हमने गड्ढा खोद के निकाला, एनर्जी दी, सन पे रिएक्शंस हुई, तो रिएक्शन कैसे हुई? रिएक्शन हुई केमिकल से, एलिमेंट्स से, एलिमेंट्स की एनर्जी कन्वर्ट हुई। तो सन के लिए इनपुट एनर्जी क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस। हमारे लिए इनपुट एनर्जी क्या है? फूड। फूड के लिए इनपुट एनर्जी क्या है? सन। और ये साइकिल इसी तरह से चल रही है, इनपुट कोई दे रहा है, फिर कुछ हो रहा है। अब मैंने खाना खाया तो मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद क्या करूंगा? इनपुट लेने के बाद मैं टरबाइन घुमाऊंगा, तो टरबाइन घुमाने से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एनर्जी उस टरबाइन के घूमने से हुई, तो मेरे पास क्या था? मेरे पास एनर्जी थी। कहां से? इनपुट आया था फूड का, फूड मेरे लिए इनपुट था, और फिर मैंने एनर्जी दी। मैंने कौन सी एनर्जी दी? मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी। मैंने एनर्जी दी मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी किसको गई? टरबाइन को। तो अगर मैं अपने आप के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इधर से मुझे एनर्जी मिली और इधर से मैंने एनर्जी दे दी। तो ये मेरे लिए इनपुट एनर्जी क्या हुई? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरे पास, मुझे एक सोर्स ऑफ एनर्जी का अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो मैंने एनर्जी ली और मैंने दी। और मैंने जो एनर्जी दी वो क्या है? हम कहेंगे दैट विल बी नोन एज आउटपुट एनर्जी। व्हाट इज आउटपुट एनर्जी? आउटपुट एनर्जी इज एनर्जी गिवन बाय अ सोर्स। एक सोर्स जो एनर्जी देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट एनर्जी। मैंने एनर्जी खाई, फूड से ली, और मैंने आउटपुट में दिया मैकेनिकल एनर्जी। अब अलग-अलग सोर्सेस क्या करते हैं? सोर्स क्या होता है बेसिकली? एक एनर्जी का सोर्स जो होता है, सोर्स बेसिकली कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। मैंने क्या करा? मैंने फूड की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। टर्बाइन ने क्या करा? टरबाइन ने उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैंने ट्यूबलाइट जला दी, या मैंने एक लट्टू जला दिया, एक बल्ब जला दिया। बल्ब में आप इनपुट में क्या दे रहे हैं? आप इनपुट में दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वहां से आउटपुट में क्या मिल रहा है? आउटपुट में आपको मिल रहा है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। आप ये चाहते हैं कि बल्ब जब मैं जलाऊं तो बल्ब जो हो वो सिर्फ लाइट ही लाइट सप्लाई करे, वो हीट एनर्जी सप्लाई ना करे, ऐसा आप चाहते हो, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम बल्ब जलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, वो गर्म नहीं हो, वो सिर्फ लाइट सप्लाई करता रहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बल्ब अगर जलेगा तो उसमें हीट एनर्जी भी बनेगी और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है लाइट। आप हीट नहीं चाह रहे, आप लाइट चाह रहे हो। ओके, सो आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब को दी, उस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट, ध्यान से समझिएगा, उस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया हीट में, कन्वर्ट हो गया लाइट में। तो हीट और लाइट दोनों चीजें बनी। तो क्या जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने दी थी, क्या पूरी की पूरी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? हम कहेंगे नो, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। तो हमने एक टर्म डिफाइन किया, यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी। जो आप एनर्जी
निकाल रहे हैं और जो एनर्जी दे रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है यूजफुल एनर्जी। हमने सिर्फ इतनी ही एनर्जी यूज करी, आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन उसमें से कुछ हीट बन गई, कुछ कुछ ही लाइट बन पाई, तो वो जो डिफरेंस बना दैट विल बी द यूजफुल एनर्जी। तो दिस इज अ टर्म यूज फॉर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब बताइए, जिस सोर्स के लिए यूजफुल एनर्जी ज्यादा है, क्या वो एक अच्छा सोर्स है, क्या वो एक बुरा सोर्स है? तो हम कहेंगे जिस सोर्स ऑफ एनर्जी में यूजफुल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। जिस एनर्जी में यूजफुल एनर्जी की मात्रा कम होगी, वो अच्छा सोर्स नहीं होगा। अच्छा सोर्स कौन होगा? जो कम एनर्जी ले और ज्यादा एनर्जी दे। सीधा सीधा हम यही चाहते हैं, या जितनी एनर्जी दें पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज द टर्म नोन एज यूजफुल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने ये तो समझ लिया कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसे है, एनर्जी का सोर्स क्या है। नाउ नेक्स्ट वी कंसिडर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हम एनर्जी के देख रहे हैं, उन्हें हमें क्लासिफाई करना है, उन्हें हमें कैटेगराइज करना है अलग अलग कैटेगरीज में। व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं बात करूं सन की, तो सन से आने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, सन से आने वाली एनर्जी फ्रीली आपको मिल सकती है, और सन से आने वाली एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाली। जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक सन चलता रहेगा, तो सन से आने वाली एनर्जी खत्म कभी नहीं होगी, और सन से आने वाली एनर्जी से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता। तो हम कहेंगे कि सन की जो एनर्जी है तो फिर तो वो बहुत अच्छी है, जब वो कभी खत्म नहीं हो रही, वो ज्यादा मात्रा में आती है, वो पोल्यूशन नहीं करती, तो इट मींस सन की एनर्जी शुड बी यूज्ड मोस्टली, मतलब मैक्सिमम टाइम हमें सन की एनर्जी को यूज करना चाहिए। और अगर वही हम कंपेयर करें कोल से, तो कोल जमीन के अंदर अवेलेबल है, उसके लिए मुझे गड्ढा खोदना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, ढेर सारी एनर्जी देके कोल बाहर निकालूंगा, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कोल के लिए क्या है, कोल में इनपुट एनर्जी भी मुझे बहुत मात्रा में देनी है, फिर जब मैं कोल को निकालूंगा तो उसे धोना, साफ करना, रिफाइन करना, ये सारी चीजों में वापस से एनर्जी लगेगी, वापस से पैसा लगेगा। तो इसका मतलब कोल को निकालना अपने आप में एक बहुत ही महंगी और बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोसेस है, एनर्जी वाली प्रोसेस है। बहुत ज्यादा एनर्जी दूंगा तब कोल निकल के आएगा, उसके बाद मैं कोल को जलाऊंगा, कोल को जलाने से धुआं प्रोड्यूस होगा, काले रंग का धुआं जो बनता है, और वो धुआं पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जब उस धुएं से पोल्यूशन होगा तो उससे डिजीजेज होंगी, और कोल जो हमने अर्थ के अंदर से निकाला, कोल अर्थ में बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। अर्थ के अंदर कोल है, आपको कैसे पता कितना कोल है? हम कहेंगे कि अर्थ के अंदर कोल बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, कोल ऐसा नहीं है कि ये हमेशा तक चलता जाएगा। अगर आप इसे ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है अगले साल खत्म हो जाए, या आज खत्म हो जाए, या 10 साल बाद खत्म हो जाए। इट मीन्स कोल बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है, कोल एक लिमिटेड सोर्स है, इसके पास जो एनर्जी है, इसकी अवेलेबिलिटी है, ये बहुत लिमिटेड है, ये पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस करता है, इसे निकालना भी बहुत महंगा है, ओके? तो उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि दिस शुड बी यूज्ड मिनिमम,
इसको कम से कम यूज करना चाहिए, जब ये इतना महंगा है और इतना निकालने में दिक्कत है और लिमिटेड है, पॉल्यूशन भी बनाता है। लेकिन होता क्या है, इसके बावजूद भी जो प्रोसेस है वो उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट होता है। होना क्या चाहिए, सन के एनर्जी को सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए और कोल के एनर्जी को सबसे कम यूज होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो कोल की एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होती है और सन की एनर्जी सबसे कम यूज होती है। तो एग्जैक्टली इस चीज का अपोजिट हो रहा है। इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि कौन सा सोर्स कितना अवेलेबल है, कौन सा सोर्स कितनी एनर्जी दे रहा है, कौन सा सोर्स कितना कम पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कौन सा सोर्स फ्रीली अवेलेबल है या कम कीमत पे अवेलेबल है, और कौन सा सोर्स महंगा है, कौन सा सोर्स ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, किसकी अवेलेबिलिटी कम है। ये सारी चीजों के बेसिस पे हमने अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद हमने सभी कैटेगरी को स्टडी करा, स्टडी करके देखा अच्छा इसमें ये प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें ये प्रॉपर्टी। उन सभी प्रॉपर्टीज को समझ के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया, दो अलग बेसिस पे डिफाइन किया, जिसमें पहला बेस होता है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी की कौन सी चीज अवेलेबल कितनी है। सो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमने कहा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के हो सकते हैं, वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अदर इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कि कौन सा सोर्स कितना अवेलेबल है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और सेकंड हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी कि कोई चीज यूजेबल कैसी है, कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से यूजेबल है, कौन कम कीमत में यूज हो सकती है। ये यूजेबिलिटी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अदर इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह से दो तरह के क्लासिफिकेशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी। तो दीज टू आर द क्लासिफिकेशन। अब हम इन दोनों क्लासिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से बहुत डीप में स्टडी करेंगे कि रिन्यूएबल किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप इसे लिख सकते हैं, सो प्लीज राइट डाउन।